हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स कैरियर पॉइंट। मैं हूं रवि। जैसा कि हम लोग फिलहाल पिछले क्लासेस में मशीन के काफ़ी टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में डिस्कस किया था। आज हमारा जो है नया टॉपिक है फिलहाल डीसी मशीन को लेकर के। इसमें हम लोग आज ईएमएफ इक्वेशन देखने वाले हैं डीसी मशीन का। एक जनरेटर के लिए क्या जनरेटेड ईएमएफ इक्वेशन होता है, जनरेटर हो या मोटर दोनों में ईएमएफ इक्वेशन होता है, दोनों में फिलहाल जनरेट होता है ईएमएफ। एक में हम लोग जनरेटेड ईएमएफ बोलते हैं, दूसरे में हम लोग बैक ईएमएफ बोलते हैं। तो दोनों का जो एक्सप्रेशन ड्राइव होगा वो सिमिलरली ऐसे ही होगा। बस हमें ध्यान में क्या रखना है, यहाँ पे फिलहाल हमारा जो फॉर्मूला आएगा उसका वो एग्जैक्टली आपको ध्यान में रखना है। आप देखेंगे उसका हम लोग बहुत जगह यूज़ करने वाले हैं, उस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं बहुत ज़्यादा। और इससे पहले मैं लेक्चर स्टार्ट करूँ, कल वाले क्वेश्चन का मैं जवाब दे दूँ। मैंने आपको फ़िलहाल बोला था कि आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइएगा, और हमारे उस जो है क्वेश्चन का जवाब ये है कि हम किसी भी रोटेटिंग मशीन या एनर्जी कन्वर्जन मशीन के स्टेटर और रोटर के बीच में जो हम लोग कपलिंग रखते हैं या जो हम लोग फिलहाल पावर ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं वो मैग्नेटिक मेथड से कर रहे होते हैं, मैग्नेटिक कपलिंग होती है। इसका रीज़न ये है कि कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल कपलिंग या कंपेयर टू इलेक्ट्रिसिटी के मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसमें एनर्जी ज़्यादा स्टोर होती है, ठीक है ना। और अगर हम लोग बात करें मैकेनिकली, तो मैकेनिकल एनर्जी स्टोर करना तो बहुत ही फिलहाल टफ होता है। स्प्रिंग में थोड़ा बहुत स्टोर होता है, बाकी आप जनरली कहीं ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते हैं। जबकि मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टोर होता है, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर देखा जाए। दैट्स वाई हम जब भी एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस की बात करते हैं तो वहाँ कपलिंग के रूप में मैग्नेटिक फील्ड का प्रयोग किया जाता है, ड्यू टू द स्टोरेज कैपेसिटी की वजह से, ठीक है ना। चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ईएमएफ इक्वेशन ऑफ द डीसी मशीन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डीसी मशीन, हम लोग इसमें ईएमएफ इक्वेशन में सबसे पहला पॉइंट हम लोग मान के चलते हैं, इसके कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ बेसिक पॉइंट्स हम जिसको एक तरीके से कह सकते हैं अजम्पशन मान के चलेंगे। हम P मान लेते हैं कि जो हमारे पास मशीन है उसमें टोटल नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, P हैं। टोटल नंबर ऑफ पोल्स जो हमारे पास मशीन है उसमें टोटल नंबर ऑफ पोल की कितने हैं, P फाइव। इसको हम बोलते हैं फ्लक्स पर वेबर, फ्लक्स पर पोल किसमें, वेबर में। जेड को मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर, टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर, ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर है। जेड के बाद आप ए मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, टोटल नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। एन मान लीजिए स्पीड ऑफ मशीन इन आरपीएम, स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन बाय 60, दैट इज स्पीड ऑफ मशीन इन आरपीएस, ठीक है ना। राउंड पर सेकंड में और रिवॉल्यूशन पर मिनट में ये अलग अलग है फिलहाल, देखिएगा। अब हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ हमें क्या करना है कि यदि कोई हमारे पास मशीन है रोटेटिंग मशीन, हम एक छोटा सा फिगर बना ले रहे हैं, पी पोल की मशीन है, तो पी पोल की वैल्यू हम यहाँ 2 ले लेते हैं। यहाँ पे ये आर्मेचर होगा, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अगर ये आर्मेचर इसमें रोटेट कर रहा है, इसमें घूम रहा है एन स्पीड से घूम रहा है, तो घूमते वक्त इसके जो आर्मेचर कंडक्टर होंगे इन पोल के फ्लक्स को कट करेंगे। और मान लीजिए जो पर पोल फ्लक्स है वो फाई है, तो अकॉर्डिंग टू द पोल कितने पोल हैं उसी हिसाब से हमारा फ्लक्स चेंज होगा। तो आप कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मतलब फ्लक्स चेंज कितना होगा, फ्लक्स चेंज, फ्लक्स चेंज जो होने वाला है वो होने वाला है पी फाइव। मतलब अगर पी पोल वाली मशीन एक पर्टिकुलर स्पीड से फाइव फ्लक्स पर पोल के फील्ड में रोटेट कर रही है, तो जो टोटल फ्लक्स होने वाला है, मतलब एक टोटल फ्लक्स हम लोग बोलें, क्योंकि पर पोल फ्लक्स हमारा है
तो टोटल फ्लक्स इसको कहना ज़्यादा इजी होगा और ज़्यादा सही सुटेबल भी होगा। टोटल फ्लक्स हमारा पी फाई है क्योंकि पर पोल फ्लक्स फाई है, तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया, पी फाई हो गया। अब मैं आपसे बोलूँ कि आप बताइए मुझे कि एक रिवॉल्यूशन इसका जो है उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं। तो हमारे पास एन जो है, एन एन बोले तो स्पीड, एन क्या है यहाँ पे, ये है राउंड पर सेकेंड, मतलब या रिवॉल्यूशन पर सेकेंड बोलिए, मतलब एक सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन लगाए। तो अगर मान लीजिए ये हमारे पास फिलहाल रिवॉल्यूशन है, एक सेकेंड में कितना लगा, मतलब अब अगर हमें लिखना है यहाँ पे एन इज इक्वल टू कैपिटल एन बाई 60 पर सेकेंड रिवॉल्यूशन इसका दिया हुआ, तो एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेगा, ये चीज़ अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज़ वेरी इजी। एक चक्कर लगाने में, ठीक है, टाइम टेकन इन वन रिवॉल्यूशन, तो हमें टाइम निकालना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा 1/n, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 60/N लिख सकते हैं। तो हमें टाइम मिल गया। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है, डी फाई, मतलब टोटल फ्लक्स अपॉन डी टी अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ। तो टोटल फ्लक्स हमारे पास कितना है अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ, आप इसमें टोटल फ्लक्स आपके पास कितना है भाई, आप कह सकते हैं फ्लक्स कट पर रिवॉल्यूशन इन वेबर लिख सकते हैं, जनरेटेड वोल्टेज में इंड्यूस्ड ईएमएफ या जनरेटेड वोल्टेज पर कंडक्टर, ध्यान रखिएगा ये पर कंडक्टर है, ठीक है ना। तो डी फाई बाई डी टी आप जनरली लिख सकते हैं, इसकी जगह पर आप लिखेंगे पी फाई और यहाँ लिखेंगे 60/N, ऊपर जाएगा पी फाई एन अपान सिक्सटी, ध्यान रखना है इस पर हमारा पी फाई एन अपान 60, ये चीज़ हमें यहाँ से देखने को मिल रहा है कि हमारा जो फिलहाल इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो पी फाई एन अपान 60 है। अब अगर हम लोग बात करें टोटल एवरेज वोल्टेज जनरेटेड जो पर कंडक्टर था, ये तो हमारा हो गया पी फाई एन अपान 60, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल वोल्टेज जनरेटेड इज इक्वल टू एवरेज वोल्टेज पर कंडक्टर इनटू, यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे, उधर जगह नहीं है तो हम यहाँ इनटू, ये इसी के साथ इनटू में है, कंडक्टर पर पैरेलल पाथ, कंडक्टर इन ईच पैरेलल पाथ। अगर टोटल ए पैरेलल पाथ में जेड कंडक्टर हैं, तो ईच पैरेलल पाथ में कितने कंडक्टर होंगे, जेड बाई ए, तो हमारे पास क्या है पी फाई एन 60 इंटू जेड बाई ए, हम यहाँ लिखेंगे। फाइनली आपको देखने को क्या मिलेगा, फाई जेड एन पी अपान 60 ए, दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वेशन, इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वेशन इन डीसी मशीन, ये डीसी मशीन का इंड्यूस्ड ईएमएफ है इज इक्वल टू फाई जेड एन पी बाई 60 ए। अब ध्यान दीजिएगा हमारे पास फॉर जनरेटर के केस में इसी को हम लिखते हैं ई जी से, ई जी इज इक्वल टू फाई जेड एन पी बाई 60 ए। मोटर के केस में इसी को हम लिखते हैं ई बी, बैक ई एम एफ फाई जेड एन पी बाई 60 ए फॉर मोटर। तो इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए
कब ये जनरेटर के लिए क्या होगा और मोटर के लिए क्या होगा। दूसरी चीज़ अभी यहीं पे हम देख लेते हैं, ये तो हमारा जनरल इंड्यूस्ड डीएमएफ हो गया, किसमें, डीसी मशीन में। अब मैं आपसे पूछूं फॉर लैप बाउंड और वेव बाउंड मशीन, ठीक है ना, फॉर लैप बाउंड एंड वेव बाउंड मशीन के लिए इंड्यूस्ड डीएमएफ क्या होगा, एक एक्सप्रेशन क्या होगा। तो देखिएगा, मैंने आपको लैप बाउंड और वेव बाउंड पढ़ा रखा है। तो पहला केस फॉर वेव मशीन, फॉर वेव बाइंडिंग मशीन, फॉर वेव बाइंडिंग मशीन। वेव बाइंडिंग में आपने क्या पढ़ा है भाई, वेव बाइंडिंग में आपको बताया गया है ए इज इक्वल टू टू होता है, ए इज इक्वल टू टू होता है। तो आप ई इज इक्वल टू लिखेंगे फाई जेड एन पी बाई 60, ए की जगह पे आप क्या लिखेंगे 2, मतलब फाई जेड एन पी अपान 120। ये किसके लिए है, वेव के लिए। केस सेकेंड फॉर लैप बाउंड मशीन, लैप बाउंड मशीन की मैं बात करूं तो ई बी, चूंकि लैप बाउंड मशीन में ए इज इक्वल टू पी होता है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ई इज इक्वल टू क्या होगा, फाई जेड एन पी अपान 60 ए। तो चूंकि ए इज इक्वल टू पी है तो हम यहाँ लिख सकते हैं फाई जेड एन पी 60 पी, ए की जगह पी से पी कैंसल आउट हो गया, फाई जेड एन अपान 60, दिस इज द इक्वेशन। तो ये हमारे पास हो गया वेव के लिए, ये हमारे पास हो गया लैप के लिए, ठीक है। इसको आप W से दिखा सकते हैं, इसको आप L से दिखा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास वेव और लैप के लिए जनरेटेड EMF हो गया, किसके लिए, वेव और लैप के लिए जनरेटेड EMF। अब देखिए, इस एक्सप्रेशन को हम लोग और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका रिप्रेजेंटेशन आपको बता दूँ। स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन इसका कैसा होता है ये आप जान लीजिए, जो हमारा थ्रू आउट द मशीन हमें हर जगह यूज़ करना है। तो देखिएगा, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन इसका हम लोग देख लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास जो जनरेटेड ईएमएफ है ई, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है फ्लक्स के, जो वेरिएबल होता है ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है स्पीड के, जो वेरिएबल होता है वेरी किया जा सकता है, ठीक है। बाकी आप देखो, बाकी किसी भी मशीन में जो नंबर ऑफ टर्न होगा, जो नंबर ऑफ पोल होंगे मशीन में फिक्स होगा, जो टोटल कंडक्टर होगा फिक्स होगा, और 60 ऑलरेडी एक कांस्टेंट है, और एक बार मशीन में जितना पैरेलल पाथ बन गया ये सब फिक्स होगा। तो फाइनली क्या है कि आप मशीन में पी जेड बाई 60 ए को क्या पाएंगे, पी जेड बाई 60 ए को आप क्या पाएंगे, कांस्टेंट पाएंगे। रीज़न क्या है कि ये सब कांस्टेंट होता है, एक बार मशीन डिजाइन होने के बाद पोल चेंज नहीं कर सकते आप, नंबर ऑफ कंडक्टर आप बदल नहीं सकते, 60 आपका ऑलरेडी कांस्टेंट है, पैरेलल पाथ आप चेंज कर नहीं सकते। तो किसी भी मशीन में ये सारे फैक्टर क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो ये सारे फैक्टर कांस्टेंट हैं, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई एन, या आप लिख सकते हैं ई जी इज इक्वल टू के फाई एन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, पूरे मशीन में ये हमेशा यूज होने वाला है। तो एक ये, और जनरेटर से रिलेटेड आपका और जो एक्सप्रेशन है, और कौन सा इक्वेशन है, ई जी इज इक्वल टू, या ई ए इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं वी प्लस आई ए आर ए। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, ये भी आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो ये दोनों इक्वेशन जनरेटेड से रिलेटेड, आपको जनरेटर से रिलेटेड कंफर्म होना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। अब देखिए, ये तो बात रही जनरेटेड ईएमएफ की, ये बात रही किसकी, जनरेटेड ईएमएफ की डीसी मशीन में। अब हम लोग जनरेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की बात कर लेते हैं। जनरेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क ये हमारा मोटर में होता है, जनरेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इन मोटर,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इन मोटर, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक टॉर्क, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क ये मत सोचिएगा कि फिलहाल सिर्फ मोटर में ही होता है, क्योंकि यूजुअल हम ज़्यादातर मोटर में ही है, यूज टू है इसमें फिलहाल, तो इसीलिए हम लोग फिलहाल ये चीज़ बोल रहे हैं। लेकिन ये आपका जनरेटर में भी होता है, जो हमारा जनरेटर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप होता है ये उसकी स्पीड का क्या करता है, विरोध करता है, और जो मोटर में डेवलप होता है वो स्पीड का सपोर्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो फिलहाल अभी हम लोग इसमें देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क हमारा क्या होगा, सबसे पहली बात तो ये जानिए कि जो हमारे पास पावर होता है आर्मेचर पे, मशीन के आर्मेचर पे जो पावर होता है वो क्या होता है, कितना होता है। तो अगर हम बात करें, एक मशीन है, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर ईए है और इसमें करंट आ रही है जा रही है, मोटर का केस हम लेकर चल रहे हैं, तो मान लीजिए आर्मेचर करंट आ रही है, तो जो आर्मेचर पावर होगा, आर्मेचर पावर ये कुछ और नहीं होगा, ई इंटू आई ए होगा, ई ए आई ए, ठीक है ना। और अगर कोई भी सिस्टम कहीं पे रोटेट कर रहा है, ये किसी भी सिस्टम को अगर रोटेट करा रहा है तो किसी एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है, वो हमारा होता है पावर, जो डिपेंड करता है टॉर्क इंटू ओमेगा पर। ये इसका टॉर्क होगा, इसमें कितना टॉर्क लग रहा है, ओमेगा मतलब एंगुलर स्पीड, ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड। तो हमारे पास एक पावर और मैकेनिकल पावर दिखेगा, ये आर्मेचर पावर है और एक मैकेनिकल पावर होगा। मैकेनिकल पावर आपको क्या देखने को मिलेगा, टॉर्क इंटू ओमेगा, टॉर्क इंटू ओमेगा। अब चूंकि डीसी मशीन के आर्मेचर में जितना पावर डेवलप होगा वही मैकेनिकल पावर होता है, वही हमारा क्या है, शाफ्ट पे जाएगा पावर। तो हम दोनों को इक्वल कर सकते हैं, क्या, ई ए आई ए इज इक्वल टू टॉर्क इंटू ओमेगा, ठीक है ना। अब अगर हमें यहाँ से टॉर्क फाइंड आउट करना है तो टी इज इक्वल टू ई ए आई ए अपान ओमेगा। अब ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, टू पाई एन, और टू पाई एन की जगह आप लिख सकते हैं कैपिटल एन बाई 60, ये चीज़ लिख सकते हैं ओमेगा में, ओमेगा की जगह पे। तो ये हमारे पास एक टॉर्क का इक्वेशन आ गया, किस चीज़ का इक्वेशन, टॉर्क का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, इम्पॉर्टेंट है, इसको हम अभी थोड़ा सा और इलेबरेट करेंगे। वेयर वेयर ओमेगा एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड, टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, उसके बाद क्या है, और इसमें कुछ नहीं है बाकी, ये ई ए आई ए क्या है, ये आर्मेचर करंट है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया है जब इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ाया था, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि आर्मेचर करंट है, जनरेटेड वोल्टेज है। तो यहाँ पे ये इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखिएगा हम इसी को थोड़ा सा और इलेबरेट करेंगे, और वो कैसे करने वाले हैं, क्यों करने वाले हैं, इसका रीज़न आगे आपको पता चलेगा जब हम लोग फिलहाल मशीन की कैरेक्टरिस्टिक पे आएंगे डीसी मशीन के। अभी तो आर्मेचर रिएक्शन वगैरह पढ़ना बाकी है। P इज इक्वल टू ई ए आई ए अपान ओमेगा, ठीक है ना, ये हमें पता है। अब हमें ई ए इज इक्वल टू, अभी मैंने देखा के ए फाई एन, देखा ओमेगा इज इक्वल टू, अभी मैंने निकाला टू पाई एन बाई 60। ये सारी वैल्यू उठा के इसमें पुट करिए, उठा के जब पुट करेंगे तो टी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, के ए फाई एन आई ए अपान, ये पुट करेंगे तो टू पाई कैपिटल एन, टू पाई कैपिटल एन अपान 60, टू पाई कैपिटल एन अपान 60। अब देखिए आप के ए की वैल्यू आपको पता है, जेड जेड
अपान 68, ये आपको पता है, चाहे तो आप रख सकते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। जेड पी अपान 68 फाई एन आई ए अपान 2 पाई एन अपान 60। बात को समझते चलिएगा, एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा, 60 से 60 कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा क्या, जेड पी, जेड पी अपान 2 पाई फाई आई ए। अब आप देखिए, ये एक अलग ही कांस्टेंट मिल गया, इसको आप के मान लीजिए या कुछ भी, के बी मान लीजिए, के उसको माना, के बी इसको मान लीजिए, या के बी मान लेते हैं, चलिए जेड पी अपान 2 पाई। तो यहाँ पे जो आपको टॉर्क देखने को मिलेगा, टी इज इक्वल टू के बी फाई आई ए। मतलब ये भी एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एक के वहाँ मिला और दूसरा के यहाँ मिला, दोनों के की वैल्यू अलग अलग है। यहाँ जेड पी बाई 60 ये है, यहाँ जेड पी बाई 2 पाई है। तो कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, अक्सर बच्चे क्या कर देते हैं, यहाँ पे फिलहाल वो शुरू हो जाते हैं कि जो के वहाँ है वो के यहाँ है, जब भी दोनों इक्वेशन एक साथ आते हैं तो उनको काटना पीटना शुरू कर देते हैं। खैर, अब मैं थोड़ा सा समराइज करूँगा इन चीज़ों को और आपको मैं बताऊँगा कि ये सारे इक्वेशंस आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। अब मैं इसको थोड़ा सा, इसकी समरी स्टार्टिंग से डीसी मशीन का बताऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग डीसी मशीन के क्लासिफिकेशन को देखना है, आर्मेचर रिएक्शन उसके बाद देखेंगे, फिर कम्यूटेशन पढ़ के उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा, फिर लास्ट टॉपिक नहीं कह सकते, उसके बाद ही तो मशीन की असली स्टार्टिंग होगी, फिर हम जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक, मोटर की कैरेक्टरिस्टिक, ये सारी चीज़ें अलग अलग हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मशीन, स्पेशली डीसी मशीन का क्या क्लासिफिकेशन है वो हम यहाँ देख लेंगे आज की क्लास में। तो हमारे पास, हम इस, अगर आपको डीसी मशीन के इक्वेशन को समराइज करें, छोटी सी समरी दें, समरी में आपको क्या याद रखना है कि हमारे पास एक जनरेटर होता है, यहाँ पे एक आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है, एक ई ए होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको इसमें याद रखना है, ई ए इज इक्वल टू वी प्लस आई ए आर इक्वेशन। दूसरा, ई जनरेटेड ई एम एफ, ई ए इज इक्वल टू के ए फाई एन, यहाँ पे आर्मेचर करेंट आई ए बाहर जा रहा है। एक हमारे पास डीसी मशीन होगा, दैट इज मोटर, इसमें करंट अंदर की तरफ जाएगा, सेम फिनोमिना ई बी आर ए। अब ध्यान दीजिएगा, ई बी इज इक्वल टू ई ए ही होगा, तो दोनों आप एक ही मान के चल सकते हैं। तो यहाँ ई बी इज इक्वल टू आप लिखेंगे वी माइनस आई ए आर ए, ई बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, वी माइनस आई ए आर ए, ठीक है। अब देखिए, जो आपके पास टॉर्क का इक्वेशन दिखेगा वो दिखेगा के बी, के बी फाई आई ए। ये चार इक्वेशन जो हैं, ये चार इक्वेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। ये आगे चल के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, इसके बारे में हम लोग और भी सारी चीज़ें देखेंगे। ये तो बात रही इसमें फ़िलहाल इसकी समरी, ठीक है ना। डीसी मशीन के बारे में हमने इतना देख लिया, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम फिलहाल ई एम एफ इक्वेशन हमारा कम्प्लीट हो गया। अगला हम लोग फिलहाल लेक्चर लेके आएंगे, इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, अगला लेक्चर लेकर के आएंगे तो वहाँ पे हम लोग पावर फ्लो इक्वेशन, डीसी मशीन का जो है पावर फ्लो इक्वेशन देखेंगे। पावर फ्लो इक्वेशन के बाद, पावर फ्लो इक्वेशन के बाद हम लोग आगे जो है क्लासिफिकेशन और पावर फ्लो इक्वेशन दोनों एक ही में देख लेंगे, आउटपुट इनपुट ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।